नमस्कार सबको, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर ख़ान है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। काफ़ी दिनों से हमारे भाई, इनके कानों में बहुत तकलीफ थी और उनके दोनों कान एकदम डेड हो चुके थे। दो तीन डॉक्टरों के पास में मैं गया जो ENT स्पेशलिस्ट थे, एलोपैथी से इलाज करते थे। उन्होंने मुझे साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि शायद ही इसका कान आगे ठीक हो सके, इसके आगे हमारे पास कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप दवाई खाते रहे। तो फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद में हमने दूसरे चीज़ों को तलाश करना शुरू किया जिससे हम इसका कान ठीक कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे देखने के बाद में हमें डॉक्टर प्रवीण सुराना सर अहमदाबाद, इनका हमें पता मालूम पड़ा। फिर हमने फ़ोन लगाया, उनसे अपॉइंटमेंट ली, हम यहाँ पर आए, दवा वगैरह दी गई इनको, और कान में एक एक घंटा ड्रॉप डालने के बाद में जो कान हमने पहले टेप रिकॉर्ड बजाकर म्यूज़िक बजाकर हमने चेक किया था, जो 0% था, मैंने खुद ये चीज़ चेक करी कि वो 0% था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक घंटा दवाई डालने के बाद में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कम से कम इनके कान में वाइब्रेशन तो हुआ, म्यूज़िक तो नहीं, मतलब लेकिन आवाज़ कुछ उनको समझ में आई। जो इनको नाम बोला गया अब्दुल तौसीफ, जैसा इनका नाम है तो इनको अब्दुल तौसीफ बोला गया, तो इन्होंने वो कान से अपने सुना। एटलीस्ट अगर मैं इसको 0.001% भी अगर इसको इम्प्रूवमेंट मानता हूँ तो ये बिल्कुल सही बात है। जो होना चाहिए था, उम्मीद है कि आइंदा वक्त में अगर बंदे ने ट्रीटमेंट किया, जाहिर सी बात है आज आप जादू की छड़ी तो है नहीं जो आप घुमाओगे और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। सही बात है कि भाई अगर आपको सुधरना है तो आपको खुद की फिक्र खुद करनी पड़ेगी। सही बात है, क्योंकि जो इंसान खुद की फिक्र नहीं करता वो दुनिया में किसी की फिक्र नहीं करता। अगर आपको अपनी फिक्र है तो अपनी फिक्र खुद करनी पड़ेगी। मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि भाई अभी ये 3 महीने की जो दवा है, कम से कम 3 महीने तो आप इसको रेगुलर ही रखना बगैर नागे के। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको पूरी तरह से शिफा मिल जाएगी।